क्यों खोला है ये सब? ये पीएम चाय वाला नाम किस लिए रखा गया? चाहे कि आप पीएम बने तो बनिएगा कि नहीं? अरे लोग चाहे तो हम कुछ भी बन सकते हैं, वो तो पीएम की बात है। मतलब कोई कॉल आया, वीडियो तो बन रहा है। अरे रिश्तेदार लोग तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं, वो सब जनपे कर रहे हैं। रिश्तेदार बस चूली करने में माहिर रहते हैं। आप पीएम ही है जी, प्रधानमंत्री है, वो भी तो ये चाय बेचने वाले हैं, उनसे ही आप सीख लीजिए। वो चाय बेच के पीएम बने और अपने नाम ही रख लिया पीएम चाय वाला, तो क्या विचार तो है लग रहा है? नहीं नहीं ऐसी बात, बात बात पर एग्जांपल पीएम का ही आ रहा है। उनसे हम सीख सकते हैं ना, अगर चाय बेचने वाले मेरे प्रधानमंत्री। हे एवरीवन, नमस्ते, मैं आदित्य बीपीएस ब्लॉग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी मैं काफ़ी दिनों से बहुत सारे चाय वाले लोगों का वीडियो बनाया हूँ और आज मैं एक ऐसे चाय वाले के पास आया हूँ जिनका नाम सुन के मैं इनके पास आया हूँ। और आने के बाद चाय पिया तो चाय बहुत सही था, लेकिन नाम है पीएम चाय वाला। तो आज इनसे जानेंगे कि ये नाम क्यों रखे हैं, किस कारण से ये नाम रखे हैं और क्या है। और चाय बहुत सही था, मैं आते आते पहले चाय ही पीता हूँ, कहीं भी जाता हूँ ये नहीं बताता हूँ कि वीडियो बनाना है। तो चाय बहुत सही था और भाई ने काफ़ी अच्छा काम किया और बहुत ही मतलब एक लो बजट बिजनेस और बहुत ही आगे जाने वाला बिजनेस है। तो स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा ब्लॉग। वीडियो पर मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में ढेर सारा प्यार करिएगा। तो शुरू करते हैं प्यारा सा ब्लॉग, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करिए, नीचे लाल का बटन है। तो शुरू करते हैं प्यारा सा ब्लॉग और भाई से कुछ बातें करते हैं। अभी हम लोग पीएम चाय वाले के पास हैं, छापसंग चौराहा के पास। और ये जो चाय मतलब कोई जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो सोचता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, और ये जो चाय है इनमें उन्होंने पूरा सोचा है कि मेरे से बेस्ट, और उस पर वो अमल हो रहे हैं, उसको सफल बना दिया है। ये जब चाय मैंने पिया तो काफ़ी बढ़िया चाय लगा। आपको कैसा लगा भैया? चाय कैसा लगा? अच्छा चाय लग रहा है। तो ये चाय बहुत ही मस्त है और बहुत ही बढ़िया चाय है। तो सबसे पहले हम भाई के पास आए और इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। पहले तो सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो आपने कीमती समय एक छोटे से स्टॉल के लिए आपने समय निकाला। छोटा सा स्टॉल नहीं, शुरू में किसी का भी बिजनेस छोटा ही होता है, बाद में वो छोटे से ही कोई भी बड़ा होता है। जो शून्य से शुरू करते हैं वो भी बहुत ऊपर तक जाते हैं। हाँ सर आपकी बात तो सही है, बट आपने मेरे लिए समय निकाला उसके लिए थैंक्स बोलना चाहते हैं सर। सबसे पहले एक बात पूछूंगा, मैं ही पूछूंगा चाय क्यों खोला है ये सब। ये पीएम चाय वाला नाम किस लिए रखा गया? क्योंकि सर मेरा नाम ही प्रदीप मौर्य है, इस वजह से। अच्छा, मैंने प्रदीप मौर्य नाम है पीएम चाय वाला। हम लोग को लगा कि फिर आपका भी प्लान है पीएम बनने का। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पीएम बनने की कोई बात नहीं है, बस मेरा नाम प्रदीप मौर्य है, इस वजह से हमने पीएम रखा। अगर लोग चाहें कि आप पीएम बने तो बनिएगा कि नहीं? अरे लोग चाहें तो हम कुछ भी बन सकते हैं, वो तो पीएम की बात है। मतलब मन है भाई का बनने का? बनेंगे जरूर, अभी छोटा है इसलिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बनेंगे जरूर। तो ये चाय का स्टॉल ही क्यों शुरू हुआ? चौ में अच्छी प्रॉफिट है, अच्छा मेहनत, मतलब इसमें ज़्यादा आपका ताम जाम नहीं है, छोटी सी है, मतलब आराम से खोल सकते हैं, नॉर्मली बजट में आप खोल सकते हैं। किसी और चीज़ में खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा मतलब बजट आपको लगाना पड़े, इसमें ज़्यादा ताम जाम नहीं रहता है। तो ये जब बिजनेस आपने खोलने का सोचा, ये जब आपने काम शुरू किया तो आपके फैमिली वाले ने क्या बोला जब आपने उनसे बोला? तो मेरी फैमिली वाले ने पूरी सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने कुछ नहीं बोला, बोला अच्छी बात है जो भी करो खुद करो। जब डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट यही बोला? हाँ डायरेक्ट यही। तो आप लोग सोच सकते हैं काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है भाई की, और अगर इतना सपोर्ट फैमिली से मिल रहा है तो कितना आगे तक जाएंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रिश्तेदार, कोई कॉल आया, वीडियो तो बन रहा है। अरे रिश्तेदार लोग तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं, वो सब जनपे कर रहे हैं, रिश्तेदार बस चूली करने में माहिर रहते हैं। तो किसी ने कॉल करके कुछ बोला कि क्या कर रहा है बेटा, ये नाम खराब कर रहा है? हाँ बहुत लोगों ने बोला कि आपका बेटा रोड पे है, ये है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट मेरे घर वाले ने बोला देखो तुम अपना कर रहे हो, किसी का चोरी डकारी मार पीटा नहीं कर रहे हो, आराम से अपना बिजनेस कर रहे हो, करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिलेशन वाले तो बोलते ही रहेंगे। रिलेशन वाले बोलेंगे तो वो आपको सुनना ही है। हाँ कोई कुछ भी बोलेगा सबको सुनना है। तो आप जब ये बात सुन रहे थे, रिलेशन वाले ऐसा बोल रहे हैं, तो रिएक्शन क्या आता था
मन में ऐसा क्या लग रहा था कि छोड़ दूं या करूं? नहीं नहीं, हम किसी का नहीं सुनते, मैं खुद का सुनता और अपने मम्मी पापा का सुनता, और किसी का नहीं सुनता। कोई कुछ भी कहे उससे हमसे फर्क नहीं पड़ता। मतलब भाई में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरे की बात की मतलब कोई नहीं। जैसे मॉडल चाय वाली ने पहले खोला तो उन्होंने लिखा था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो भाई लागू कर रहा है, पूरा लागू कर रहा है। नहीं नहीं, मैंने उनका सुन के नहीं कहा, मैं बचपन से याद है मैं खुद का करता हूँ। मतलब मैं बोला कि वो अगर लिखी है तो लागू भाई कर रहा है। हाँ, अगर लिखी होंगी तो हम लागू कर रहे हैं, सही है, लेकिन हमने नहीं देखा। आपका कोई मोटिवेशन रहा कि नहीं चाय के बिजनेस में? नहीं, चाय के बिजनेस में मेरा अभी कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अब खोल दिए हैं तो अब मेरा यही लाइफ है, यही बिजनेस है, यही सब कुछ। का देखे हैं कि नहीं कि ये चाय का कर रहा है तो हम करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको सीखना चाहिए कि मतलब आप पीएम ही है जी, प्रधानमंत्री है, वो भी तो ये चाय बेचने वाले हैं, उनसे ही आप सीख लीजिए। वो चाय बेच के पीएम बने और अपने नाम ही रख लिया पीएम चाय वाला, तो क्या विचार तो है लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात 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 पर एग्जांपल पीएम का ही आ रहा है। उनसे हम सीख सकते हैं ना, अगर चाय बेचने वाले मेरे प्रधानमंत्री हैं तो हम चाय बेच कर क्यों नहीं अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं? पैर पर चाय बेच के तो खड़ा हो सकते। आखिर ये चाय बनाना आपने अभी सीखा कि पहले से ही आता था? नहीं नहीं, रूम पे बनाते थे तो काफ़ी दोस्त थे तो उन सबको अच्छा लगा, तो वो सब बोले अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो चाय का ही करो, तुम चाय अच्छी बनाते हो। चाय के साथ और भी कुछ अवेलेबल है? नहीं, अभी तो चाय के साथ बस बंद मक्खन बनाते हैं और बिस्किट वगैरह वगैरह अभी कुछ है। बिस्किट में तो काफ़ी प्रकार के बिस्किट हैं, सबका प्राइस एक ही है? हाँ, सबका 5 ही रुपये है, सब 5 बिस्किट, 5 रुपये एक बिस्किट। चाय का क्या रखे हैं? चाय 10 रुपये। कितना बिक जा रहा है पर डे? अभी तो पर डे 150 चला जाता है। 150 फर्स्ट, मतलब अभी कितना दिन हुआ? अभी 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ, समझ रहे हैं, लड़का है तब 150 जा रहा है, लड़की नहीं है, लड़का है तो 150 जा रहा है, क्योंकि लड़की के पास बहुत लोग सपोर्ट करने वाले, क्योंकि बहुत सारे मीडिया फर्स्ट ही वीक या सेकेंड वीक में काफ़ी मीडिया किसी लड़की के पास पहुँच जा रहे हैं, लेकिन आपके पास कितना मीडिया आया भाई? हमारे पास 1 लोग आए थे और आप दूसरे लोग। अच्छा, हम दूसरे हैं, 20 दिन हुआ अभी दूसरे हैं। कितना खर्चा आया? खर्चा तो 40,000 आया लगभग। 40,000 ये सब लगा के? हाँ। 40,000 किससे लिए थे? मम्मी के नाम से किस्त लिया गया है गांव से, मम्मी किस्त लेकर दी है। लोन ली है? हाँ, लोन ली है। मतलब इतना सपोर्ट, अभी मैं सोच रहा था कि बस सपोर्ट है, लेकिन इतना सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मेरा ITI फाइनल है, BA चल रहा है। ITI फाइनल है तो ITI में जॉब करने का है, नहीं गए कि ये सब कर रहे हैं? ITI में जॉब करेंगे कितना पाएंगे, 10,000 से 12,000 पाएंगे, उसमें गाड़ी सुनो ये वो सही से सैलरी नहीं देंगे। ये मेरा खुद का है, जितना कमाए एक दिन अगर 500 कमाएंगे तो मेरे जेब में जाएगा, किसी और के नहीं जाएगा। ITI से मतलब आप दूसरे का नौकर नहीं बनना चाहते? नहीं बनना चाहते, खुद का मालिक खुद रहेंगे। मैंने ITI भी इसलिए किया था कि बाद में नहीं मिला तो हम मतलब इलेक्ट्रीशियन दुकान खोल सकते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं कि मेरे को किसी के अंदर जॉब करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं BA कर रहा हूँ। BA आप पढ़ाई को भी कैरी करना है? नहीं नहीं, अब इसी फील्ड में खिलाड़ी बनना है। इसको छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना है? पढ़ाई छोड़ दी, अब इसी फील्ड में जो करना है कर। अच्छा, इस फील्ड में अगर आपका आगे जाते हैं काफ़ी सपोर्ट होता है तो फ्रेंचाइजी भी बनाना है क्या? नहीं नहीं, फ्रेंचाइजी वाला कोई मैटर नहीं है, मेरे खुद का रहेगा, मैं किसी को फ्रेंचाइजी नहीं बेचना चाहते हैं। अच्छा, मेरा खुद का है। बस एक ही स्टॉल रहेगा, खुद का रहेगा? हाँ, खुद का रहेगा। जिसको पीना है कहीं से पीना है आओ यहाँ पे तो आओ मेरे पास आओ। नहीं, ऐसी बात नहीं, आते हैं बहुत लोग आते हैं, मतलब जैसे मेरे गाँव ऐसे जो आज पी कर गया वो एक हफ्ते बाद आता है तो फिर मेरे के यहाँ आता, ऐसे ऐसे मेरे कस्टमर हैं। बोल रहा हूँ, आप एक लड़के हैं और पढ़ाई किए हैं, ITI किए हैं और उसके बाद चाय का स्टॉल लगाए हैं, शादी वादी हो करने में दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं नहीं, ऐसी इस समय कहाँ किसी से मतलब, इस समय बस पैसे से मतलब है, लड़का पैसे कमा रहा है अच्छा खासा है तो बस शादी हो जाए। लोग बोलेंगे लड़का चाय बेच रहा है हम अपनी बेटी नहीं देंगे तो? नहीं, ऐसी कोई रीज़न नहीं है, लोग इस समय बस यही चाहते हैं, लड़का अपना कमा रहा है, खा रहा है, जी रहा है, बस इसी पे होती है। और आगे अभी कुछ और लाना है कि बस इतना ही रखना? नहीं नहीं, अब कुछ दिन में मैगी का प्रोग्राम रखा, मतलब मैगी भी बनाना है, लोगों का मानना है कि आप मैगी भी रखिए सर, तो इस वजह से मैगी भी बनाना चालू करेंगे। आप चाय में सिर्फ ये चाय पत्ती चीनी ये सब डालते हैं कि खुद कोई खुद का भी मसाला है? नहीं नहीं, जो मतलब अगर खुद का मसाला क्या है, यही नॉर्मली चीनी चाय पत्ती अदरक इलायची यही होती है। नहीं, लाइक एक लोगों का खुद का टेस्ट होता है जो वो अलग एक तैयार करके खुद का टेस्ट है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो देखिए अगर ज़्यादा ताम झाम जानने से वो चाय नहीं रह जाती, कुछ अलग टेस्ट हो जाती है। चाय में वही चीनी चाय पत्ती अदरक इलायची यही नॉर्मली चाय होती है, अगर और कुछ डालेंगे तो मसाला चाय वगैरह वगैरह हो जाती है, लेकिन नॉर्मली में तो वही होता है।
आपको अभी जब ये कर रहे हैं तो जो दूसरे आते हैं लड़के लड़कियां तो वो सपोर्ट करते हैं पीने? हाँ एकदम, जो एक बार आता है वो कई बार आता है। यहाँ तो मेरा जब से स्टॉल खुला है दो लोग आते थे, आज तक वो आते हैं, दो लोग पर डे आते हैं, मतलब वो दीवाने हो चुके हैं। और लगभग 8-9 ऐसे पुलिस वाले हैं जो मतलब सुबह आएंगे शाम, मतलब वो आएंगे जरूर एक बार दो बार पीने जरूर। हाँ अगर कोई दूसरा चाय का स्टॉल लगाना चाहता है कहीं भी वे आपका वीडियो देख के, तो आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? हम तो वही कहेंगे भाई वो करे, तो अगर लगा रहा है तो अगर उसका टाइमिंग होना चाहिए कि सुबह से शाम लगा उस टाइम उसको बंद नहीं करना चाहिए। अगर वो 5 बजे लगा रहा है तो रोज़ 5 बजे लगाना चाहिए पर डे, क्योंकि आपके कस्टमर जान रहे हैं इतने बजे से कभी किसी बीच में वो आ सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि इतना बजे, आप कितना बजे लगाते हैं? हम 5 बजे से 8:30 बजे लगाते हैं। 5 बजे सुबह से 8:30 बजे रात 8:30 बजे। कब दुकान किसी दिन बंद भी रहता है या डेली का है? नहीं, जब इस रास्ते कोई वीआईपी जाता है, जब मतलब पुलिस वाले रास्ता खाली करते हैं उसी दिन बंद रहता है, अलग नहीं और कभी बंद नहीं। मतलब जिस दिन पुलिस वाले स्टॉल हटाएंगे उसी दिन हटाएंगे। अभी 20 दिन हुआ, इतने दिनों में कभी बंद था कि नहीं? इसी दिन में 2 बार मतलब मेरे मुख्यमंत्री गए हैं तो 2 बार रोड क्लियर हुआ था तो मैंने हटाया था 2 बार। तो मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनको आपका ये काम तो दिख नहीं रहा है, जब ये हट जा रहा है तो हाँ थोड़ा सा दुख तो होता होगा। हाँ दुख होता है कि मतलब वो भी देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं। जब बोलते हैं तो हम हटा देते हैं, वही 2-4 घंटे के लिए हटता है, उसके बाद फिर हम स्टॉल लगा देते हैं। इस बात पे कुछ कहना है कि ये हटेगा कि हटाया जा रहा है तो सही हो रहा है कि गलत? नहीं, एक लिए तो मान लीजिए वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, जा रहे हैं तो भाई सही तो हो ही रहा है, हटाना तो चाहिए। मतलब एक होता है कि हटा दो, चाय स्टॉल रहना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, अगर वो जा रहे हैं तो भाई हटा देना चाहिए। अच्छा, हाँ कोई आपको दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं, नहीं है? नहीं, आप पूरा कोऑपरेट करेंगे? हाँ एकदम, अगर कोई भी सरकारी सर्विस पुलिस वाला या कोई जो बोलता है हम वो करते हैं। अच्छा, फर्स्ट डे आपका कितना बिका था? फर्स्ट डे मेरा लगभग 10 कप बिका था। 10 कप? हाँ। और उस दिन आपका मतलब प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने फ्री में चाय पिलाया था और कुछ लोग ही पैसा दिए थे, और जो पैसा दिए थे वो पर डे आते हैं, आज तक आते हैं। तो फ्री में क्यों चाय पिलाए थे कोई? फ्री में मतलब जब शुरू किए थे जो अगल बगल थे सबको मैंने पिलाया था। अच्छा। और उसके बाद से मैंने अपना। और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे अपने टी स्टॉल के थ्रू? हाँ, स्टॉल से यही जानना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम पीएम रखा गया है तो लोग कहते हैं नाम से ये काम कर रहा है। मेरा मानना है कि नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है, लेकिन लोग नाम से मतलब रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना है कि मेरे काम से मेरा नाम है। ये बात सही है, मैं भी आया था पीएम चाय वाले के नाम से, लेकिन जब चाय पिया ना तो लगा कि भाई चाय है, एक नंबर चाय है। तो ये बात काफ़ी सही बोली है। और आगे नेतागिरी करना है कि नहीं ये आज बताइए? नहीं नहीं, अभी राजनीति नहीं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मेरे यही मतलब मेन टारगेट। बिजनेसमैन भी लोग भी तो राजनीति में उतर ही जाते हैं, तो जैसे अपने जब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को देखिए तो ये भी देखिए कि वो कर रहे हैं। हाँ तो आगे चल कर, अभी तो आगे चल के देखा जाएगा, अभी बस इसी फील्ड में मुझे खिलाड़ी बनना है। ये भैया आप ही के साथ हैं? हाँ ये भाई मेरे बड़े भाई हैं और मेरे वो साथ रहते हैं। अच्छा, ये भैया? ये भैया वहाँ छोला भटूरा। अच्छा, छोला भटूरा। भैया आपने चाय पिया है क्या? कैसा लगता है चाय? अच्छा लगता है। और इधर कोई ऐसे चाय बनाता है कि नहीं? नहीं, अभी तो इधर नहीं बना रहा, जब से लगाया तो चाय इनका थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफ़ी बढ़िया चाय बनाता है। चाय तो बढ़िया बनाता है। आप डेली पीते हैं कि कभी कभी? चाय पीते हैं हम लोग, जैसे गर्मी में थोड़ा ठंडे जाता है तो चाय पीते रहते हैं, गर्मी में थोड़ा ठंडा उंडा ऐसा पी लेते हैं। अभी काफ़ी बढ़िया चाय बनाता है। चाय तो बढ़िया है, कप्पी में चाय देता है उसमें चाय बढ़िया रहेगा। चाय आप कितना 10 रखे हैं ना? हाँ 10 रुपये। और कोई स्पेशल चाय अभी? अभी नहीं, कुछ दिन में तंदूरी चाय चालू करेंगे। तंदूरी चाय, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना जानकारी देने के लिए। हम भी आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय जो हमको दिए हैं उसके लिए हम आपको बहुत दिल से आपको हम टाइम से बोलना चाहते हैं। तो अब भैया से जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे चैनल पे? हम यही कहना चाहते हैं मेरे सर का VPS ब्लॉग है, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और जब इधर आइए तो मेरे पास ज़रूर आइए, एक बार चाय पीजिएगा फिर आइएगा दोबारा भी। ना एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस छात्र संघ चौराहा पैटलीगंज रोड। तो भाइयों जो भी गोरखपुर आते हैं, अगर बाहर से भी आते हैं कहीं से, बिहार से या कहीं से भी, तो एक बार चाय पीने ज़रूर आइए छात्र संघ चौराहा पैटलीगंज रोड। हाँ तो यहाँ पे चाय पीने ज़रूर आइए, और बहुत ही अच्छा चाय है भाई का, मैं लोकेशन में भी दे दूँगा, नीचे आप लोकेशन चेक कर सकते हैं।
और भाई बहुत चाय वाले ऐसे हैं जो अपना चैनल भी स्टार्ट किया, आपने कहीं चैनल वैनल? हाँ मैंने चैनल स्टार्ट किया पीएम चाय वाला, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर भी है पीएम चाय वाला। तो भाई को पीएम चाय वाले पे फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें और ढेर सारा भाई को भी सपोर्ट करें और हमको भी कर दे यार। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, वीडियो पे अपना ढेर सारा प्यार करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेते आऊँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, बाय।